कोरबो लोड़बो जीतबो रे, यानी कि करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में ये तीनों ही चीजें कर ली और आईपीएल 2024 का खिताब भी अपने नाम कर लिया। जी हां, इसके साथ ही तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन केकेआर बन गई। 2012-14 के बाद 24 में केकेआर विनर बन गई। जितने बड़े विनर इस जीत के साथ गौतम गंभीर बने हैं, उतने ही बड़े विनर इस टीम का हर एक खिलाड़ी है। लेकिन फाइनल मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी हीरो बना, किसने केकेआर को जीत दिलाई, वो हम आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो में। फाइनल मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी केकेआर पहले ही ओवर से एसआरएच पर चढ़ाई करने लग गई थी। अगर इस मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के सबसे बड़े हीरो गेंदबाज थे। तीन गेंदबाजों ने इस पूरे मैच का रुख पलट दिया और एसआरएच के बल्लेबाज, जो बहुत ही कद्दावर माने जाते हैं, उनको लगातार बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। इस मैच की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने शुरुआती ओवर से ही एसआरएच के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने की शुरुआत की। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का कमाल दिखाया तो वही आंद्रे रसल ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से एसआरएच के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इन तीनों ने इस मुकाबले में क्या किया, आपको वो दिखाते हैं। मिचेल स्टार्क की बात करें तो उन्होंने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट झटके, तो वही आंद्रे रसल ने 2.3 ओवर में 3 विकेट झटके। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 1 विकेट लिया। इसके अलावा केकेआर के हर्षित राणा ने भी मिचेल स्टार्क का पूरा साथ दिया और ये बात सुनिश्चित की, ये बात तय की कि सनराइजर्स हैदराबाद बड़े स्कोर तक ना पहुंच पाए। हर्षित राणा की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट झटके। काम यहां पर आधा खत्म हुआ था, यानी कि केकेआर के बल्लेबाजों के पास भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका था और ऐसे में सुनील नारायण भले ही जल्दी पवेलियन लौट गए हो, लेकिन रहमानुल्ला गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ने अपना क्लास दिखाया और सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त देने में अहम भूमिका निभाई। केकेआर के बल्लेबाजों की बात करें तो रहमानुल्ला गुरबाज ने 32 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 सिक्स और 5 चौके लगाए। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने नाबाद 26 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 सिक्स लगाए। वेंकटेश अय्यर वैसे पूरे सीजन कैसा भी प्रदर्शन रहा हो, लेकिन इस बल्लेबाज ने प्लेऑफ में ये साबित कर दिया कि वो बड़े मुकाबले के बड़े खिलाड़ी हैं। यानी कि फाइनल में इस टीम को 5 चैंपियन मिले, जिसमें से 3 गेंदबाज हैं और 2 बल्लेबाज, और यही चैंपियंस लगातार इस सीजन परफॉर्म करते रहे। चैंपियंस का चेहरा तो बदलता रहा, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस कभी भी डिप नहीं हुआ। गौतम गंभीर की मेंटरशिप में और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस टीम का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। श्रेयस अय्यर भी अब उस फेहरिस्त में जुड़ गए हैं जिन्होंने अपनी टीम को आईपीएल का खिताब जिताया है। एमएस धोनी, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और इसके अलावा अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या के बाद श्रेयस अय्यर 5वें भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपनी टीम को आईपीएल का खिताब दिलाया है। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल अपनी इस जीत का जश्न शानदार तरीके से मनाए, क्योंकि जिस तरीके से उनका ये सीजन बीता है वो बहुत शानदार रहा और अब जरूरत है गौतम के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान लाने की और केकेआर को जमकर पार्टी करने की।